लखनऊ में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां गोलबंदी करने में जुट गई है। बीजेपी के पसमांदा सम्मेलन को लेकर विधायक रविदास मल्होत्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के करने और कथनी में अंतर है। हमारे संवाददाता ने अविनाश ने विधायक राम रविदास मल्होत्रा से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आइए आपको सुनाते हैं। लखनऊ नगर निकाय चुनाव बेहद ही नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर टिकट को लेकर भीड़ मची हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी। सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव बेहद नज़दीक हैं, ऐसे लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है आगे? जो निकाय चुनाव होने वाले हैं इसमें समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जगह पर जहाँ पर चुनाव हैं, नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, वहाँ पर विधायकों को प्रभारी बना करके भेजा है। जैसे मैं कानपुर का प्रभारी हूँ और हम लोगों ने वहाँ पर मेयर के, नगर पंचायत के, नगर पालिका के नामों को तय किया है और तीन तीन नाम तय करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। और जिस दिन डेट आएगी, चुनाव की तारीख आएगी, उसी दिन पूरा होमवर्क हो गया है, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो तीन तीन नाम दे देंगे और उन तीन नामों पर पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय करने का काम करेंगे। बीजेपी लगातार मुस्लिम वोटर को रुझाने के लिए पसमांदा समाज सम्मेलन करने जा रही है, इसे कैसे देखते हैं मुस्लिम वोटर? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अब जैसे विकास मान लीजिए है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश की हर सड़क गड्ढा हो जाएगी, कहीं हुई? और उसके बाद फिर कहा कि 30 नवंबर डेट दे दी, कोई डेट हुई? लेकिन आप जाइए कैसरबाग बस स्टैंड चौराहे से मेडिकल कॉलेज जो मेन रोड है, और अगर आप वहाँ जाएंगे और अगर आप गड्ढे गिन ले खाली, भरना दूर की बात है, गड्ढे गिन लें तो हम इनाम देंगे कि गड्ढे गिन लिए आपने। तो ये थे हमारे साथ जो है लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ तौर पर कहना था चाहे निकाय चुनाव हो चाहे आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव हो, शिवपाल सिंह यादव के समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से वापस आने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और एक मजबूती के साथ आने वाले निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।